नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डीना बैंक या फिर किसी भी बैंक अकाउंट का एड्रेस को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे हर वीडियो अपडेट आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप दो तरीके से अपना एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे बदल सकते हैं। देखिए, लगभग ज़्यादातर बैंक में क्या होता है कि आपको केवाईसी फॉर्म जो होता है वो आपको अपडेट करना होता है। केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके बैंक में सबमिट करना होता है। केवाईसी फॉर्म यानी कि वहाँ पे जितना भी आपका लेटेस्ट अपडेट होता है, वो एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर चेंज करना हो गया, तो वो केवाईसी फॉर्म आपको भरना होता है वहाँ पे। ठीक है, लगभग हर बैंक में वो आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसे केवाईसी भी कहते हैं, वो आपको भरना होता है। ठीक है, दूसरा तरीका जो है दोस्तों, वो दूसरा तरीका आपको लेटर लिखना है बैंक को स्पेसिफिकली कि आपको सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आपको ये लेटर लिखना है, कैसे सबमिट करना है, वो सारा कुछ मैं आपको अभी फिलहाल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हेडिंग में लिखना है यहाँ पे टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद में आपका बैंक का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है, आपका ब्रांच का नाम जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद में ब्रांच का एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको डियर सर या फिर मैम जो भी है, ओपनिंग आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका रहेगा रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस, दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको देना है। उसके बाद में आपको नीचे पे लिखना है पैराग्राफ में, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डेट आई हैव रिसेंटली रीलोकेटेड टू दिल्ली फ्रॉम गुड़गांव। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो है रीलोकेटेड हो चुके हैं दिल्ली में, गुड़गांव से। पहले आप गुड़गांव में रहते थे, अभी दिल्ली में आ चुके हैं। तो ये आपका हिसाब से, आप जहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं वो आपका हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आई हैव बीन ट्रांसफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रीजन देना होगा किस वजह से आप उस एड्रेस पे ट्रांसफर हो गए हैं, वो आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद में आई हैव ए सेविंग अकाउंट इन योर बैंक, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भरना है। और उसके बाद में आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अपडेट दिस इन्फॉर्मेशन इन योर रिकॉर्ड्स, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो इज रिगार्डिंग माई चेंज ऑफ एड्रेस। उसके बाद में आपको ओल्ड एड्रेस यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपका पुराना एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे न्यू एड्रेस लिख के आपको यहाँ पे जो है आपको नया वाला एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे नया वाला एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद में नीचे में आपको लिखना है इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ द एड्रेस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी लिविंग रिसाइडिंग एट द न्यू एड्रेस प्रोवाइडेड, सो प्लीज सेंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन दिस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे थैंकिंग यू दे देना है। ठीक है, और आप चाहो तो नीचे में यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे सकते हो, CIF नंबर दे सकते हो, और नीचे में आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका नाम यहाँ पे लिखना है, नीचे आपको सिग्नेचर देना है, और ये फॉर्म जाके अपना बैंक में ब्रांच मैनेजर को सबमिट कर देना है। दोस्तों देखिए, बहुत से बैंक जो है ऐसा लेटर को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, वो खुद से अपना फॉर्म ही देते हैं। तो यदि ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करते, आपको दूसरा फॉर्म ही दे देते हैं, तो वो केस में वो फॉर्म को सिंपली आप भर लीजिएगा। आपको इसको ही कॉपी करके जो है आपका एड्रेस और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सारा कुछ जो है आपको काम में आएगा उस वक्त। तो आपको सिंपली वही फॉर्म भर देना है, और ज़्यादातर बैंक में आपको एप्लीकेशन ही लिख के देना भी होता है। ठीक है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप अपना बैंक अकाउंट का एड्रेस को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही, चलते हैं, बाय बाय।